आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों आप सभी को जोहार। आप में से काफ़ी कम लोग इस ऐतिहासिक गांव के बारे में जानते होंगे। इस गांव का नाम है बहरोनपुर, जो झारखंड की राजधानी रांची से 96 किलोमीटर दूर हजारीबाग जिले के केंद्र से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में सीतागढ़ पहाड़ी के तलहटी में बसे बहरोनपुर गांव की मिट्टी में दबी एक बौद्धकालीन सभ्यता के संकेत मिले हैं। इस स्थल की पहचान एक विस्फोट के द्वारा चला था और इस स्थल में 27 नवंबर 2019 को पहली बार इस स्थल में उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। बहरोनपुर हजारीबाग के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक बनेगा। इससे पहले आप में से काफ़ी कम लोग ही इस गांव के विषय में जानते होंगे। आने वाले कुछ दिनों में यहां देश विदेश के पर्यटक देखने को मिलेंगे। बहरोनपुर खुदाई स्थल से पुरातत्व विभाग को कई भव्य सुंदर मूर्तियां मिली हैं। इसमें भगवान बौद्ध और माँ तारा की प्रतिमाएँ शामिल हैं। कई महीने बंद रहने के बाद इस वर्ष 1 फरवरी से खुदाई शुरू कर दी गई है, जो अभी जारी है। अभी कई हिस्से खुदाई के लिए बचे हुए हैं, कई अनमोल मूर्तियां निकलने का आशा है। पुरातत्व विभाग के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मूर्तियां आज से 11 वर्ष पूर्व पहले की है और संरचना से लगता है कि पाल वंश के समकालीन की है। वैसे झारखंड से बौद्ध धर्म का संबंध बहुत पुराना है और आप हजारीबाग से हैं तो आपको एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। इस खुदाई स्थल की और बहुत कहानियाँ बची हुई हैं, आप यहाँ आकर देखें, क्योंकि कार्य अभी हो रहा है ताकि आप आने वाले भविष्य को बता सके कि हम बहुत किस्मत के धनी हैं जो इस ऐतिहासिक खुदाई को अपने आँखों से देख सके। आप यहाँ पे आएं, एक बार ज़रूर देखें, खुदाई स्थल काफ़ी अच्छा है। अभी तो लोग कार्य कर रहे हैं, अभी इसमें कई जानकारियाँ अभी बची हुई हैं। यहाँ पे म्यूज़ियम बनाने की मांग भी रखा गया है, जो बहुत जल्द शायद पूरा हो जाए, तो आप एक बार ज़रूर देखें। यहाँ कुछ लोगों से जानते हैं इस जगह के बारे में, तो आइए बात करते हैं। ज्योग्राफिकल सेटअप के कारण और इसका जो लैंडस्केप है, इसके कारण ये एक आकर्षण का केंद्र रहा होगा। और एक तीसरी बात इसमें ये कड़ी ये महत्वपूर्ण है कि ये ओल्ड बनारस रूट से जुड़ा हुआ है। खुदा हवा के बाद ही शुरू किया ना, हम लोग दादा पैदा लोग तो कुछ जन्म करता था, घर बुरा ईटवा चढ़ा चिल्हा हो गया ईटा का, जब शुरू कर दिया तो सब बिकल गया, सब ही सब मेरा मृदू थी सब जमा कर दिया सब लेको। वहाँ क्षेत्र हैं या आर्कोलॉजिकल साइट हैं खास करके बिहार झारखंड और उड़ीसा में, तो इस एरिया में खास करके ज़्यादातर मेरे हिसाब से वो पालकालीन ही मिल सकते हैं, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर पालकाल का ही शासन रहा है।